लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों समेत 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर शनिवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। इन सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गजों की चुनावी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। लोकसभा अंतिम चरण में 57 सीटों पर मतदान जारी है, जिनमें पंजाब की सभी 13, हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे इस चरण के पूरा होते ही 19 अप्रैल से 543 सीटों के लिए शुरू हुई 7 चरणों की मैराथन मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 4 जून को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। इस चरण में कुल 10.6 करोड़ मतदाता 904 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। कुल 1.9 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आखिरी चरण के मतदान में ओडिशा विधानसभा की शेष 42 सीटों के अलावा हिमाचल विधानसभा की 6 सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। हिमाचल की जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें सुजानपुर, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, बड़सर, गगरेट व कुटलेहर शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने से ये सीटें खाली हुई थीं।